आपके पुराने कपड़े टाइट होने लगे हैं, इसलिए आप अपने वजन बढ़ने से परेशान हैं। वेट लूज करने के लिए आप डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कुल मिलाकर वजन घटाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। अब जो चर्बी आपके शरीर पर जमा हो रही है वो तो आपको दिखती है, पर उस चर्बी का क्या जो आपके शरीर के अंदर जमा हो रही है पर आपको दिखती नहीं। इस तरह का फैट जमा होता है आपके पेट के अंदर, खासतौर पर जहाँ के शरीर के सारे जरूरी अंग मौजूद हैं, जैसे लिवर और आते। इसे कहते हैं विसरल फैट और ये आसानी से दिखता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसका नुकसान क्या है? जवाब है कि बहुत ज्यादा नुकसान है। विसरल फैट के कारण दिल की बीमारियां हो सकती हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और हार्ट अटैक तक पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि जब ये फैट दिखता ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि ये शरीर के अंदर जमा हो रहा है? ये सवाल हमने पूछा डॉक्टर्स से, साथ ही ये भी जानते हैं कि विसरल फैट शरीर में जमा क्यों हो जाता है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। आप सभी बॉडी फैट के बारे में जानते हैं, तो ये विसरल फैट और विसरल ओबेसिटी क्या है? तो विसरल फैट, इसको आल्सो इंट्रा एब्डोमिनल फैट भी कहा जाता है, यानी आपके जो एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी है उसमें अगर फैट जमा होता है, पर्टिकुलरली अपने जो ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है लाइक स्टमक, लीवर एंड इंटेस्टाइन, इसके आजू बाजू में अगर फैट जमा हो जाता है तो विसरल, उसको विसरल ओबेसिटी और विसरल फैट कहा जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि विसरल फैट जो स्टडीज हुए, साइंटिफिक स्टडीज हुए, उसमें देखा गया है कि ये विसरल फैट काफ़ी सारे बीमारियों से एसोसिएटेड होता है। ये विसरल फैट को एक्टिव फैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडिमिया, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और स्ट्रोक या पैरालिसिस जैसे बीमारियों में भी इसका रोल रहता है। यही नहीं, अगर देखा जाए तो वेरियस कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर्स और यूटेराइन कैंसर, इसमें भी ये विसरल ओबेसिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए ये विसरल फैट और विसरल ओबेसिटी कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़रूरी है। जो स्टडीज हुए हैं, साइंटिफिक स्टडीज हुए, उसमें देखा गया है कि जो बॉडी वेट है उसके 10% विसरल फैट रहता है। तो अगर आपका वेट बढ़ता है या मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ साथ विसरल फैट भी बढ़ता है। जैसे मैंने बोला है कि जैसे बॉडी का वजन बढ़ेगा या मोटापा बढ़ेगा तो ये विसरल फैट भी बढ़ता है। और अभी अगर आप देखेंगे, मोटापा बढ़ने के 2 मेन कारण यही रहते हैं, एक्सेस फूड इनटेक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो ये बॉडी में फैट एक्युमुलेट हो जाता है और अल्टीमेटली विसरल फैट्स भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। तो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है और एनर्जी इनटेक बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली ये जो आप एक्स्ट्रा फूड खा रहे हैं वो बॉडी में एक्युमुलेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट और वो आपके लीवर या इंटेस्टाइन और स्टमक में जाके बैठते हैं। इसीलिए फूड कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी इसका जो मेजरमेंट है वो कैसे लेना है, यानी विसरल फैट आपके बॉडी में कितना है, कैसा है, वो कैसे देख सकते हैं? जो आप बाहर से देख पाएंगे वो आपका मोटापा दिखता है या बाहर का जो सबक्यूटेनियस फैट है वो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट अगर विसरल फैट जो कि बॉडी के अंदर है, इंट्राब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, वो देखना डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको सीटी स्कैन और MRI जैसे टेस्ट करना पड़ सकता है, बट ये टेस्ट महंगे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए कुछ सिंपल मेजर्स, सिंपल क्लिनिकल मेजर्स भी दिए हुए हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स है जिसमें आप ये इंट्राएब्डोमिनल ओबेसिटी गिन सकते हैं। एक है वेस्ट सरकमफेरेंस और दूसरा है वेस्ट डिप्रेशन। वेस्ट सरकमफेरेंस यानी क्या? अगर आप आपका वेस्ट या इंट्राएब्डोमिनल गर्थ लेते हैं एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, उसको वेस्ट सरकमफेरेंस कहा जाता है। अगर वेस्ट सरकमफेरेंस मेल्स में 102 सेंटीमीटर के ज़्यादा है और फीमेल्स में अगर 89 सेंटीमीटर के ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वेस्ट सरकमफेरेंस कहा जाता है और वो एक इंडिकेटर रहता है कि आपका इंट्राएब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है।
दूसरा एक है वेस्ट हिप रेशो। वेस्ट हिप रेशो इसमें आपको वेस्ट सरकमफेरेंस लेना है एज वेल एज हिप सरकमफेरेंस लेना है और इन दोनों का रेशो निकालना पड़ता है। अगर रेशो 0.9 के अबाव आता है मेल्स में और 0.8 पाई जाता है फीमेल्स में तो उसको आप एक्सेस वेस्ट हिप रेशो कह सकते हैं और वो भी इंडिकेटर रहता है कि आपका इंट्राएब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने बोला ये विसरल फैट बढ़ता है अगर आपका वजन बढ़ता है या मोटापा बढ़ता है तो अल्टीमेटली अपने को अपना वजन कंट्रोल रखना है और वजन कंट्रोल करने के लिए आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखना काफ़ी जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखना जरूरी है तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करना और दूसरा एक मेजर है कि हेल्दी डाइट फॉलो करना। एक्सरसाइज में आपका रोज 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज होना चाहिए। इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दोनों इंक्लूड होना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग ये एटलीस्ट 45 मिनट्स होना चाहिए और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 15 मिनट्स तक होना चाहिए। हेल्दी डाइट लेना तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एक्सेस जंक फूड खाते हैं तो प्लीज़ वो अवॉइड कीजिए। आप मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड, बाहर का फूड, जंक फूड्स ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। खाने में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाइए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर्स ये अवॉइड कीजिए या कम कीजिए। लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स ये डाइट में इंक्लूड कीजिए तो उससे क्या होता है कि आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है, फैट की मात्रा नहीं बढ़ती है और अल्टीमेटली वेट कम होने में मदद होती है। आपको कोई भी हेल्प लगती है, आपको लगता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज अभी काफ़ी सारे मेडिसिन भी आए हैं जो आपको ये वेट कम करने में, वेस्ट सरकमफेरेंस करने में या विसरल फैट कम करने में मदद करते हैं। तो आपको कोई कंसर्न है, आपको कोई विसरल फैट रिलेटेड बीमारी है तो प्लीज़ आपके डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कीजिए। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, विसरल फैट बढ़ने के किस तरह के हेल्थ रिस्क हो सकते हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए विसरल फैट को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन्हें जरूर फॉलो करिए। सिर्फ शरीर के ऊपर जमा होने वाले फैट पर ध्यान मत दीजिए, शरीर के अंदर जो फैट जमा हो रहा है उसकी भी खबर रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कई लोगों के शरीर पर ऐसे फोड़े हो जाते हैं जिनका मुंह नहीं होता, यानी वो फूटते नहीं है, उनसे पस नहीं निकलता है। दरअसल ये फोड़े नहीं है, इन्हें कहते हैं एपिडर्माइट सिस्ट, सिस्ट यानी कि गांठ। इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। एपिडर्माइट सिस्ट एक छोटी गांठ होती है जो स्किन के अंदर पाई जाती है। मेडिकल भाषा में एपिडर्माइट सिस्ट को केराटिन सिस्ट भी कहा जाता है। ये बहुत ही छोटी और सख्त गांठ होती है जो स्किन के अंदर अपने आप तैयार होती है और ये फैल सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इसका साइज आमतौर पर कुछ मिलीमीटर से लेकर 2 इंच तक होता है। हालांकि ये गांठ कैंसर में नहीं बदलती। अब सवाल आता है कि गांठ क्यों बन जाती है। एपिडर्माइट सिस्ट हमारी स्किन के अंदर केराटिन नाम के प्रोटीन के जमा होने से बनता है। केराटिन प्रोटीन हमारी स्किन की ऊपरी सतह और बालों में पाया जाता है। जब स्किन की किसी समस्या के कारण केराटिन अंदर फंस जाता है तो ये गांठ बन जाती है। 80% केसेस में ये अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन कभी कभार जब ये ठीक नहीं होती है तब डॉक्टर की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है। आमतौर पर ये सिस्ट पीठ, सिर, चेहरे या फिर प्राइवेट अंगों पर होता है। इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन कई कॉस्मेटिक कारणों की वजह से इसे निकलवाना पड़ता है। डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा एक पदार्थ इस सिस्ट में इंजेक्ट करते हैं ताकि ये अपने आप ठीक हो जाए, घुल जाए। कई बार जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो चीरा लगाकर अंदर जमा सिस्ट को बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर भी दे सकते हैं। एडवांस सर्जरी जैसे कि लेजर और इलेक्ट्रोकॉटरी जैसी चीजें इस्तेमाल करके बिना दर्द हुए सिस्ट निकाला जा सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकासी हेल्थ टिप। एक्सपर्ट्स क्यों बोलते हैं सिर्फ छोटी और मुलायम लौकी खाने के लिए। लौकी एक लो कैलोरी सब्जी है जो फाइबर से भरपूर होती है। इसमें फैट काफी कम होता है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, थायमिन, सोडियम ये मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। पर जरूरी है कि आप
वही लौकी खाएं जो छोटी और मुलायम हो। अब ऐसा क्यों? इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। वो कहती हैं कि अगर लौकी छोटी और मुलायम हो तो इसे खाना काफी सेहतमंद होता है, लेकिन अगर लौकी पुरानी हो जाती है और उसके जो बीज है वो कड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कई टॉक्सिक पदार्थ आ जाते हैं, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए ऐसी लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।